ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो की। विपो क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है विपो। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका कार्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। यहाँ बात करें बौद्धिक संपदा की, तो बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। साथ ही ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान में विपो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। एक नजर डालें विपो की सदस्यता पर। वर्तमान में विपो के कुल 191 सदस्य हैं। यूएन के सभी मेंबर विपो के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन विपो जैसी विशिष्ट एजेंसियों का सदस्य बनने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। यूएन के 188 सदस्य देशों के साथ कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए विपो के सदस्य हैं। इनके अलावा फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है विपो में, और साथ ही लगभग 250 एनजीओ और अंतर सरकारी संगठनों को विपो की बैठकों में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है कि भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। विपो के इतिहास पर एक नजर डालें तो सन 1883 में औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन हुआ। इसे बौद्धिक कार्य संरक्षण के लिए उठाए गए पहले कदम के तौर पर भी याद किया जाता है। इसमें आविष्कार या पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन से जुड़े बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए। इसके बाद आया सन 1886 का साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन। इसमें शामिल हैं उपन्यास, लघु कथाओं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प कृतियों के बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर किए गए प्रयास। इसके बाद आया 1891 का मैड्रिड समझौता, जिसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत के लिए भी याद किया जाता है। इसके बाद 1893 में BIRPI की स्थापना हुई। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु पेरिस और बर्न कन्वेंशन का प्रशासन करने के लिए स्थापित दो सचिवालयों को मिलाकर BIRPI की स्थापना हुई। 1967 में साइन किए गए विपो कन्वेंशन के फोर्स में आने के साथ ही 1970 में BIRPI बन गया विपो। 1974 में यही विपो यूएन की एक एजेंसी बन गया। एक नजर डालें विपो के कार्यकलापों पर। बदलती दुनिया के लिए संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक पॉलिसी फोरम का कार्य करता है। इसके अलावा सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा सिस्टम्स को जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना प्रदान करता है और सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करता है। इसके अलावा विपो के एजेंडा पर बौद्धिक संपदा संरक्षण कानूनों एवं संधियों के अपवादों एवं सीमाओं के निर्धारण का भार भी है। इन सीमाओं और अपवाद के अंतर्गत अधिकार धारकों और संरक्षित कार्यों का उपयोग करने वालों के हितों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए आर्थिक अधिकारों पर कॉपीराइट कानून कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे मामले होते हैं जिनमें संरक्षित कार्यों का उपयोग अधिकार धारकों की अनुमति के बिना और मुआवजे का भुगतान करके या ना करके किया जा सकता है। सीमाएं और अपवाद विपो के एजेंडा का एक मुख्य मुद्दा बन चुके हैं और इनके संबंध में बहस मुख्य रूप से तीन समूहों के लाभार्थियों या गतिविधियों पर केंद्रित रहती है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों तथा विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर दृष्टि बाधितों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं विपो की महत्वपूर्ण संधियों की। पहली महत्वपूर्ण संधि है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम संधि। इसमें विशेषकर डिजिटल माहौल में दो प्रकार के लाभार्थियों के अधिकारों का ख्याल रखा गया। पहले हैं कलाकार, जिसमें अभिनेता, अभिनेत्रियों और संगीतकार शामिल हैं। दूसरे हैं फोनोग्राम निर्माता, जिसमें ऐसे व्यक्ति या कानूनी संस्थाएं जो ध्वनियों के निर्माण यानी साउंड फिक्सेशन के लिए पहल करती हैं और इनकी जिम्मेदारी लेती हैं। भारत इस संधि को स्वीकार कर चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण संधि है बुडापेस्ट संधि। पेटेंट प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिपॉजिट की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से जुड़ी है। भारत इस संधि को भी स्वीकार कर चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण संधि है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल। एक आवेदन के माध्यम से एक से अधिक देशों को कवर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रदान करने में ये संधि मददगार है।
भारत ने यह प्रोटोकॉल भी स्वीकार किया हुआ है। चौथी महत्वपूर्ण संधि है दृष्टिबाधितों और छपे हुए को पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों तक प्रकाशित कार्यों को पहुंचाने के लिए मराकेश संधि। दृष्टि बाधितों के लिए पुस्तकों के उपलब्ध संस्करणों तथा अन्य कॉपीराइट कार्यों की सुविधा प्रदान करने के मामले में यह संधि कॉपीराइट में छूट देती है। ध्यान रहे कि भारत पहला देश था जिसने इस संधि का अनुमोदन किया। अंतिम महत्वपूर्ण संधि जो विपो से जुड़ी है वह है विपो कॉपीराइट संधि। यह बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल माहौल में लेखकों के कार्यों और उनके अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। भारत इस संधि को भी स्वीकार कर चुका है। विपो से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रकाशन भी है जिसको वैश्विक नवाचार सूचकांक के तौर पर जाना जाता है। इसमें देशों को नवाचार में उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर वार्षिक रैंकिंग दी जाती है। इसका प्रकाशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड के सहयोग से किया जाता है।